अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक सा एक डिजाइन शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा स्टिच है। इसके बाद फ्रेंड फंदा गिनिएगा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और ये चौबीस, इधर एक एक्स्ट्रा वाला है वो पच्चीस। डिजाइन का ये हमारा पहला सिलाई है। स्टिच बना लेने के बाद हम दो फंदा उल्टा बना लेंगे, उसके बाद एक फंदा और उल्टा बना लेंगे। ये हमारा उल्टा साइड है। अब हम तीन फंदा को एक साथ बनाएंगे, ऐसे तीन फंदा को सिलाई पर लेंगे और इसे एक साथ बना करके ऐसे फिर से हम इसी में फंदा लपेट कर फिर वही तीनों फंदा में सिलाई डालकर एक बार और बना लेंगे। तीन फंदा को एक बार बनाने के बाद तीन फंदा एक बार बन गया, फिर एक फंदा उल्टा और यहाँ पर गैप के लिए दो फंदा उल्टा, फिर यहाँ पर एक फंदा उल्टा। अब तीन फंदा एक साथ बनाएंगे, फंदा लपेटेंगे, फिर से तीन फंदा एक साथ बना लेंगे, यानी कि तीन फंदा से हमें तीन फंदा बना लेना है। फिर एक फंदा सीधा, अब दो फंदा और सीधा, फिर से एक और फंदा सीधा, यानी कि तीन फंदा को एक साथ बनाने के बाद हमें चार फंदा उल्टा बनाना है। ऐसे हम एक बार तीन फंदा में बनाएंगे, उसके बाद दोबारा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा और ये दो फंदा उल्टा। फंदा पीछे कर लेना है, स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। आ जाते हैं सीधी सिलाई में। ये हमारा स्टिच है और ये दो फंदा जो है गैप के लिए है, हम इसको उल्टा में भी उल्टा बनाएं और सीधा में भी हम इसे सीधा बनाएंगे, सॉरी उल्टा बनाएंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए अब यहाँ पर ये एक फंदा हमारा सीधा है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे ये देखिए। इधर से हम एक फंदा और लेंगे, बीच से ध्यान दीजिएगा, दो फंदा को एक साथ सिलाई पर लिए लेकिन इस मोड़ से ऐसे करके ऐसे करके। अब एक बार हम बनाएंगे और ये दोनों फंदा के बीच से हम सिलाई निकाल कर ये फंदा हम सिलाई पर से निकाल देंगे और ये इस तरह से बन गया। बीच सेंटर का फंदा है, इसको नॉर्मल बना लेंगे। इसके बाद ये लपेटा हुआ फंदा है, इसको नहीं बनाकर पीछे के साइड से हम एक फंदा बना लेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे।
फिर ये दो फंदा उल्टा, उल्टा में भी हम उल्टा बनाए थे इसको और सीधा में भी उल्टा ही बनेगा। फंदा पीछे करके ये एक फंदा सीधा और ये बीच वाला फंदा, दोनों को एक साथ हम सिलाई कर लेंगे। ऐसे ध्यान से देखिएगा, दो फंदा को हम एक साथ सिलाई कर लेंगे, लेकिन बनाने वक्त हम एक फंदा में ही बनाएंगे इस तरह से। ये देखिएगा, इस बीच से हम ऐसे सिलाई निकालेंगे और ये फंदा को हम सिलाई पर से गिरा देंगे और ये फंदा मेरा इस साइड आ जाएगा। बीच फंदा वाला, बीच वाला फंदा हम बना लेंगे। फिर उसके बाद फिर पीछे से हम एक फंदा लेकर और ये फंदा को इस तरह करके हम ये फंदा पहले बनाएंगे और ये स्लिप कर लेंगे। तो इधर ये भी स्लिप हो जाता है और ये भी स्लिप हो जाता है। फिर दो फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे, ये दोनों फंदा को हमें एक साथ सिलाई पर लेना है, लेकिन बनाना एक ही फंदा है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इस तरह से, और ये फंदा हमारा स्लिप हो गया, ये बन गया। बीच वाला फंदा नॉर्मल बनाएंगे, पीछे से हम पहले ऐसे बना लेंगे और इसको स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदा उल्टा और एक स्टिच का, स्टिच बना लेते हैं। और ये सीधा में भी हम इसको उल्टा बनाए थे और उल्टा में भी हम दो फंदा को उल्टा ही बनाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये फंदा जो है ये स्लिप किया हुआ, सीधा में हमने इसको स्लिप किया था, इसको हम नॉर्मल उल्टा बनाएंगे। फिर बीच में हमें तीन फंदा मिल रहा है इस तरह से, तीनों को हम एक साथ ऐसे बनाएंगे और फंदा फिर से लपेटते हुए उसी तीनों फंदा में एक बार और बना लेंगे। ये देखिए, फिर इसको हम उल्टा बना लेंगे। अब दो फंदा और उल्टा बनेगा, फिर साइड के लिए ये स्लिप किया हुआ फंदा, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। तीन फंदा को एक साथ बना लेंगे ऐसे करके, फिर फंदा लपेट कर एक बार और तीन फंदा को एक साथ बना लेंगे, फिर इसे हम उल्टा बनाएंगे। दो फंदा फिर उल्टा, फिर इसको भी उल्टा बनाएंगे, तीन फंदा को एक साथ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस हमें रिपीट करते हुए जाना है ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से, अब ये फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा और एक स्टिच का। दो फंदा उल्टा, फंदा पीछे कर लेंगे, अब ये फंदा हमारा बनेगा और ये हमारा जो है, दोनों को हम पहले इस तरह से सिलाई कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब एक साथ हम दोनों को इस सिलाई पर भी लेंगे, लेकिन हमें बनाना एक ही फंदा है ऐसे करके। ये देखिए, ये फंदा हमारा स्लिप हो गया और ये बन गया एक साथ। फिर एक फंदा बना लेंगे, पीछे के साइड से एक और फंदा बनाएंगे और ये फंदा को हमें स्लिप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन आपको इस तरह से बनेगा और देखने में बेहद ही खूबसूरत लगेगा। इसे आप पूरा प्रोजेक्ट में रिपीट कर लीजिएगा बनाने के बाद। ये देखिए ऐसे इसे स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा,
फंदा पीछे करेंगे। ये दोनों फंदा को इस तरह से फंदा को बनाकर इसके बीच से ऐसे निकाल कर इसे गिरा लेंगे। ये हमारा स्लिप हो जाएगा, ये देखिए ये फंदा हमारा बना है और ये स्लिप हो गया है। बीच वाला फंदा बना लेंगे और फिर पीछे के साइड से लास्ट वाला फंदा बनाएंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। ये देखिए बनने के बाद ये बहुत ही यूनिक डिजाइन है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये बनता हुआ ऊपर जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। तो उम्मीद करते हैं कि ये डिजाइन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, खुदा हाफिज। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें हमने सात सात के हिसाब से फंदा डाल रखा है और चार फंदा एक्स्ट्रा में है, तो उसी हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट में फंदा डालिएगा।